हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश अचीवर्स। सो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग थिंग और कुछ ऐसी चीज़ जिसमें हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी, वो थी डिस्कवरी और इन्वेंशन का डिफरेंस। वो भी अभी जो आई बटन आ रहा है उसको आप क्लिक करके देख सकते हो। सेकेंड थिंग, आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लेंड एंड बोरो। तो पहले देखते हैं लेंड पे। लैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, मतलब किसी चीज़ को देना, दैट मीन्स टू गिव समथिंग टू अनदर पर्सन। तो अगर आपको अभी भी याद नहीं रहता तो आप इसके इस तरीके से कुछ रिलेट कर सकते हो कि जैसे लैंड है, ल का ल से लेना और लेने का उल्टा देना, मतलब ल का उल्टा जो लेने का उल्टा है वो हो गया लैंड, राइट, मतलब गिविंग। एग्जाम्पल इज आई लैंड यू द मनी, मतलब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, देना। नेक्स्ट आता है बोरो। बोरो का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, टू टेक समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब ये लैंड का अपोजिट हुआ, लैंड बोरो से एक टाइप से एंटोनिम्स है। तो ही हैड बोरोड अ कार फ्रॉम वन ऑफ हिज कलीग्स, मतलब उसने जो कार है वो ले रखी है आपने किसी दोस्त से। कलीग मतलब होता है कि कोई क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव एट्सेट्रा। सो मतलब बोरोड मतलब उसने ले रखी है कार। अगर हमें लगा रहा हूँ कि उसने कार दे रखी है तो मतलब ही हैड लेंड अ कार टू हिज नेटिव और एनी कलीग्स। नेक्स्ट, अब इससे देखते हैं कि यहाँ पे लेंड और बोरो का क्या मतलब है। तो यहाँ पे दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग, लेट्स से यू आर दिस, तो दिस इज मी। सो अब बोरो मतलब अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, जस्ट सपोज दिस इज ऑल्सो अ मैन, तो यहाँ से बोरो मतलब अभी मैंने ले लिया, और लैंड मतलब अब यहाँ पे भी एक पर्सन है, अब लैंड मतलब मैंने किस चीज़ को दे दिया। तो आप इन एरो से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है एक और पिक्चर। यहाँ पे क्या आया हुआ है कि दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ मैन, लेट्स से सो देर आर टू पर्सन्स। सो हियर इज कैन आई बोरो $10, मतलब क्या मैं $10 ले सकती हूँ, तो वो उससे पूछ रही है। और फिर जो पर्सन है सेकेंड पर्सन, ये क्या कह रहा है कि येस आई विल लेंड यू $10, मतलब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो लेंड और बोरो को हम इस कन्वर्सेशन से भी सीख सकते हैं और इस तरीके से हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी कन्वर्सेशन में। सो आई होप आपको इन टू पिक्चर्स से और जितनी भी हमने अभी तक की डिफरेंसेस देखे, सो यू हैव गॉट इट। तो वन मोर डिफरेंसेस हियर, लेंड का मतलब होता है टू सेंड, मतलब देना, ऑफर देना, सेल बेचना, देना, गिव देना, टीच का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को देनी कोई चीज़। टीच में क्या होता है, हम किसी को सिखाते हैं तो हम कोई चीज़ अपनी एजुकेशन दे ही रहे हैं। बोरो में मतलब किस, सेंड का रिसीव, कुछ लेना, एक्सेप्ट का कुछ ले लेना, बाय का भी कुछ खरीदना, मतलब वो मैंने ले लिया खरीद कर, गेट सेम थिंग, लर्न मतलब अब किस चीज़ को मैंने ग्रहण किया, मतलब दैट इज़ मैंने उसको ले लिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। सो देखिए, वी आर पुटिंग रियली रियली गुड एफर्ट्स। सो अगर आपके वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, एंड कमेंट वट आर योर थाट्स। सो लेट मी टेल यू वन सेंटेंस, दैट इज कि सो जो सेंटेंसेज है, पहला है मेरे दोस्त ने मुझे ₹40 दिए, दूसरा है मैंने ₹40 ले लिए। तो आपको इन दोनों को बोरो और लैंड का यूज़ करके बनाना है, और आपको इन दोनों को कमेंट में लिखना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सो अगर आप वो आंसर्स लिख देते हो, दैट मीन्स अगर आपके आंसर्स राइट होते हैं तो मतलब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो। सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इंग्लिश अचीवर्स, एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।